हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं, और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी, और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में, 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे, बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। वी आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट डिस्कशंस एंड टू ही टुक ओपिनियन फ्रॉम मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका जी एंड अदर सीनियर लीडर्स। Finally, Congress President took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He conveyed me, he authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media, to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. Already, we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing-in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day.